न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पारुल अहलावत। ट्राइसिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। ट्राइसिटी पंचकुला की राजीव कॉलोनी में पुलिस के द्वारा की गई छापामारी के दौरान 500 के नोटों की 2.5 लाख की नकली करेंसी, 21 किलो गांजा, 13 ग्राम चरस व तलवारों जैसे अवैध हथियार बरामद हुए। राजीव कॉलोनी में छापेमारी कर नशा व हथियार बरामद किए। ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। राजीव कॉलोनी में रेड, मिड्डा और सोनू के घर हुई थी। इसके दौरान सभी आरोपी मौके से भागने में कामयाब हुए। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सेक्टर 14 नवीन कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान भागते हुए कुछ आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्हें अब जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौके से बरामद सामान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उस टाइम पे काफी अंधेरा था, संकरी गलियां थी, जिस वजह से हम जैसे ही वहां पे उस गली में एंटर हुए, वहां पे जितने भी लोग अंदर थे वहां से मौका देखकर फरार हो गए, जिसमें कुछ व्यक्तियों को हमने भागते हुए पहचान भी लिया था। उसके साथ जैसे ही हम उस प्रमाइसिस में एंटर हुए, हमने देखा कि वहां पे काफी मात्रा में जाली करेंसी, जो बाद में गिनने में पता चला तकरीबन 2.5 लाख रुपए की जाली करेंसी, 500-500 के नोट वहां से बरामद हुए। उसके साथ साथ तकरीबन 21 किलो गांजा वहां से बरामद हुआ, उसके साथ ही तकरीबन 113 ग्राम चरस वहां से बरामद हुई और काफी मात्रा में जेलियां, गंडासी, तलवारें वगैरह वहां से बरामद हुई है। जिसके बाद हमने वो सारा सामान बरामद कर लिया, उसमें FIR दर्ज हो चुकी है और अभी जितने भी अक्यूज हैं अभी फरार हैं, उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ट्राइसिटी मोहाली की थाना फेज 1 पुलिस ने 24 पेटी अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शराब समेत गाड़ी कब्जे में कर ली गई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान हरियाणा करनाल के रेसो निवासी खुशबाहा के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ पहले भी थाना मटोर में धोखाधड़ी का केस दर्ज था और वहीं आरोपी रोपड़ जेल में भी रह चुका है। बेशक पुलिस आरोपी को मोहरा मानती है, जबकि इस तस्करी के पीछे बड़े गिरोह का भी हाथ हो सकता है, जिसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा। आरोपी हरियाणा से सस्ती शराब लुधियाना सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस संबंधी थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि SSP के दिशा निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान को मद्देनजर रखते हुए मोहाली के फेज 1 पुलिस पार्टी की ओर से नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट गाड़ी को रोका तो उसमें 24 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें राजधानी विस्की, संतरा मार का शराब बरामद की गई। आरोपी के साथ शराब की तस्करी में और कौन शामिल है, फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। ये 24 पेटियां ने, ये बंदा एक किसी होर तो अगे लगे सप्लाई लैके आता, इन गड्डी लेके जाते रास्ते में, रास्ते से गड्डी लैके अगे लैके लुधियाने बेचता, इन अगे लुधियाने के उ कोई ड्राइवर हो लेना, यदा कि पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ये पर पहला मटौर थाने ऑलरेडी परचा हो चुका वा 420-465-66। सोनीपत का रहने वाला, ये 1.5 साल पहला रोपड़ जेल लग गया, ऐसा नाका इनफॉर्मेशन पे असी केस दर्ज कर लिया, FIR दर्ज करती करते कोर्ट पेश करेंगे। ट्राइसिटी मोहाली के गांव कंडाला में 2 डेयरी फार्म्स में 70 से ज्यादा गायें और भैंस मृत पाई गई। वहीं डेयरी मालिकों का आरोप है कि समय पर डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाई। मोहाली के गांव कंडाला में 2 डेयरी फार्म्स में 70 से ज्यादा गायें और भैंस की मौत हो चुकी। पिछले 2 दिन से एक एक करके पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन मौके का जायजा लेने प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। 70 से ज्यादा पशुओं की मौत के बाद डॉक्टरों ने आज इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके आने से पहले कई पशुओं की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का दावा है कि 2 दर्जन से ज्यादा पशुओं को बचाया जा चुका है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन होटलों का वेस्ट खाना खाने से पशुओं के बीमार होकर मौत होने का भी एक कारण माना जा रहा है। वेस्ट कह लो या सरप्लस कह लो, वो पांदे रहे तो वो एनिमल्स दे विच जड़ी हैगी है, वो अंदर जाके एसिड बनता उसका, तो जो एक एनिमल दी एक इनहेरेंट कैपेसिटी होंदी है किसी भी प्रॉब्लम नू फेस करन दी, लेकिन जदों वो प्रॉब्लम एक्सीड कर जाए, उस लेवल तो एक्सीड कर जाए, उस वक्त उदे जड़े अंदर वाइटल ऑर्गन्स होंदे हैं वो थोड़े अगे डिफेम होने शुरू हो जाते हैं,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ लगातार रिपीटेडली फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड जो चपाती वगैरह पाते रहे अंदर एसिडिटी प्रॉब्लम। ट्राई सिटी बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ये इंडिया में ना भाई साहब सब खींचता है, कोई किसी की टांग तो कोई किसी के कान, कभी जोर से तो कभी प्यार से, कोई खींचे बातों को तो खींचे कोई वादों को, और ऐसे ही सब खींचते हैं ऐसी वैसी तार जो पहुंचा सकती है आपके घर को भारी नुकसान। माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल बिजली बचाए, आग से सुरक्षित रखे और हैवी लोड भी उठाए, तो अब से खींचो सिर्फ सही तार। माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल, सही तार खींचो। फसल सुरक्षा की पहली खुराक IIL का ट्रैक्टर ब्रांड फफूंदी नाशक सोफिया। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड उत्पाद, अब शक्ति आपके हाथ। तू यहाँ कैसे? नया ई रिक्शा लेने आया हूँ। मत ले, जो कमाएगा मेरी तरह हर छह महीने में बैटरी बदलवाने में खर्च कर देगा। इसीलिए तो कहा कि लिथियम बैटरी लगवा रहा हूँ। अरे ये 3 गुना महंगी है, वारंटी भी तो 6 गुना है, और ये चार्ज भी 8 घंटे की जगह 2 घंटे में फुल हो जाती है। उकाया लिथियम बैटरी, ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ, और इंट्रोडक्टरी ऑफर में 10,500 रुपए का ये लिथियम बैटरी चार्जर फ्री पाओ। चिनार फैब्रिक्स, अ स्टाइलिश एंड फैशनेबल, अ कंप्लीट मेंस वेयर, चिनार फैब्रिक। हरियाली तीज महोत्सव का आनंद लीजिए 1 अगस्त से 4 अगस्त 2019 तक लेजर वैली मैदान सेक्टर 29 गुरुग्राम में। फ्री खान पान, मेहंदी, झूले, टैटू मेकिंग और मेडिकल कैंप, साथ ही हर दिन बम्पर लकी ड्रॉ, रंगारंग कार्यक्रम पंकज उदास और प्रमेश वर्मा के साथ, पारिवारिक प्रतियोगिताओं के साथ पौधे वितरण भी किए जाएंगे। प्रवेश निःशुल्क, आप सभी आमंत्रित हैं। आयोजक हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन महिला शाखा गुरुग्राम। हर अक्षर इनकलाब बराबर, हरियाणा की आवाज आज समाज। अगर धान की फसल में कोई भी दानेदार कीटनाशक डालना है तो डालिए सिर्फ वर्टाको। ये देता है आपकी धान की फसल को सुरक्षा भी और शक्ति भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेवल एजेंट्स द्वारा अरब देशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर पंजाबी महिलाओं को बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जाता है। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर से सामने आया, जहां एक महिला पर काफी अत्याचार किए गए, लेकिन अब पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के प्रयास से महिला को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया गया। पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य रुपिंदरजीत कौर सिंह चहल ने बताया कि गुरदासपुर की इस महिला को ट्रेवल एजेंट द्वारा वर्क परमिट पर नौकरी दिलवाने के लिए दुबई भेजा गया था, जहां से उसे क्वैट भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उसे घर में कैद कर लिया गया और उससे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाने लगा, जिसके चलते बंद कमरे में उसकी जिंदगी नर्क जैसे बन गई। जेंट रही गई हाँ, इधरों कहते ही घर का बस बच्चा ने संभालना वा, तो फिर मैं तो टोटल काम भी करना पाया, बच्चे ही 3 बच्चे ने भी संभालना पाया। किस तरह संपर्क मेरे बेटे ने किया, मैंने तो बेटे मेरे ने सारा किया, इधरों सारे भैन भरावान ने मदद की, मैं वापस आ गई हाँ, नहीं तो भावे मैं वापस ना आती मेरी भैन मौत ही उत्थे हो जाती कवैत ही। रुपिंदर जीत कौर चहल ने कहा कि पीड़ित महिला का इलाज करवाया जाएगा और उसके लिए बकायद कोसलर का इंतजाम भी किया गया, ताकि वो आम इंसान की तरह जिंदगी बिता सके। पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के प्रयास से ही सलामत वो महिला अपने घर पहुंचने में कामयाब हुई। शेख नू बेचता, फिर इन्हू कुवैत भेज दिता गया। कुवैत जान तो बाद इहदे नाल बहुत ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, इन्हू इहदे फैमिली नाल ए बिल्कुल इन टच नहीं रही, शी वॉजेंट अलाउड टू कॉल हर फैमिली, ते इन्हू खाने तो नींद तो आराम तो हर एक चीज़ तो महरूम रखा गया, ते काफ़ी इहदी कुटमार हुई हैगी है।
ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਟੂ ਫੈਸੀਲੀਏਟ ਹਰ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ट्रेजेडी पंचकुला के रत्ते वाली नदी में पहाड़ों में हुई बरसात के कारण उफान आ गया जिसके चलते काफी लोग नदी के दोनों किनारों पर दो घंटे तक फंसे रहे। पहाड़ों में हुई भारी बरसात के बाद रत्ते वाली नदी में तूफान आ गया जिसके बाद काफी लोग नदी के दोनों किनारों पर दो घंटे तक फंसे रहे और इसी बीच दो बाइक सवार जान जोखिम में डालकर बहती नदी में गुजरने की चेष्टा कर बैठे जो कि उनकी जान पर भारी पड़ गई। जैसे ही नदी की मझधार में अचानक से बाइक फंसी तो दोनों युवक भी नीचे गिर गए और जब बहने लगे तो उन्होंने बाइक को पकड़ लिया और गनीमत ये रही कि वो दोनों बच गए। आपको बता दें कि लोग इन बाइक सवारों को बचाने के लिए भागे। लोगों ने बताया कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण पिछली बरसात में भी एक बाइक सवार बह गया था जिसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लोग दूर दराज से अपने काम के लिए अक्सर इस रास्ते से निकलते हैं और पुल नहीं होने पर लोग जान जोखिम में डालकर बहती नदी में घुस जाते हैं। इसके साथ ही नदी में तेज बहाव होने के कारण नदी के दोनों किनारों पर दो घंटे तक लोग फंसे रहे। ट्राइसिटी चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में नई शुरुआत की जा रही है जिसके अंतर्गत 16 अगस्त से पीजीआई में 250 बेड का नया हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। नेहरू हॉस्पिटल एक्टेशन के पहले ट्रायल के तौर पर पीजीआई में 16 अगस्त से 250 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये फैसला पीजीआई की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही डिपार्टमेंट के एचओडी को जल्द से जल्द शिफ्ट करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस नए हॉस्पिटल में नेहरू हॉस्पिटल से 4 डिपार्टमेंट शिफ्ट किए गए हैं। साल 2010 से बन रहे इस हॉस्पिटल के शुरू हो जाने से इन चारों डिपार्टमेंट से संबंधित मरीजों को काफी फायदा होगा। बताया जा रहा है कि जगह कम होने के कारण ये चारों डिपार्टमेंट नेहरू हॉस्पिटल में संचालित हो रहे थे जहाँ पर बेड की संख्या सीमित थी। जगह कम होने की वजह से गंभीर मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस नए हॉस्पिटल में मरीजों को राहत मिलेगी जिससे आसानी से पीजीआई में उनका इलाज हो सकेगा। देश के जाने माने हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ में एक नर्स की गलती से कैंसर के मरीज का 2.25 लाख रुपए का इंजेक्शन बर्बाद हो गया। हालांकि पीजीआई प्रशासन ने उस वक्त नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया था लेकिन अगले ही दिन अपनी बात से मुकर भी गया। आपको बता दें कि पीड़ित के बेटे ने जब इंजेक्शन के लिए वीरवार को एमएस और डिप्टी एमएस से मुलाकात की तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया। उनका कहना था कि इंजेक्शन के नुकसान के लिए पीजीआई प्रशासन नहीं बल्कि नर्स जिम्मेदार है इसलिए वो इसकी भरपाई करेंगी, जबकि पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन इस आदेश के विरोध में खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पीजीआई में कीमो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे काम नर्सिंग स्टाफ को नहीं करना होता लेकिन ज्यादातर केस में नर्सिंग स्टाफ ही ये काम करता है। अगर उस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर मौके पर होते तो ऐसी चूक का खतरा नहीं होता लेकिन काम के दबाव के कारण नर्सिंग स्टाफ से ये चूक हो गई। इसके लिए नर्सिंग स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। ऐसा होने पर पीजीआई नर्सिंग स्टाफ काम ठप करने की मांग करेगा क्योंकि एक स्टाफ को ऐसा काम करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो करना उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है। ट्राइसिटी बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ये इंडिया में ना भाई साहब सब खींचता है, कोई किसी की टांग तो कोई किसी के कान, कभी जोर से तो कभी प्यार से, कोई खींचे बातों को तो खींचे कोई वादों को, और ऐसे ही सब खींचते हैं ऐसी वैसी तार जो पहुंचा सकती है आपके घर को भारी नुकसान। माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल बिजली बचाए, आग से सुरक्षित रखे और हैवी लोड भी उठाए, तो अब से खींचो सिर्फ सही तार। माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल, सही तार खींचो।
what you wear. Touch from Lakhani Arman. स्वागत है, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ट्राइसिटी चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी की विभिन्न मार्केट में बने शोरूम के सामने कॉरिडोर से वेंडर्स को हटाने के साथ ही शोरूम मालिकों का कोई भी सामान कॉरिडोर में ना पड़ा हो ये भी आदेश जारी कर दिए हैं। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी डीसी और एसएसपी की होगी। सेक्टर 22 निवासी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि शहर में प्रभावी व निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण कार्रवाई की जाए, प्रशासन ने एनफोर्समेंट विभाग को उचित स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए व स्टाफ नियमों के अनुसार काम करे। पुलिस की तरह एनफोर्समेंट स्टाफ का भी एक तय स्थान पर बीट बॉक्स हो। याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की कि वो एनफोर्समेंट स्टाफ के लिए उचित ड्रेस व नेम प्लेट लगाने का नियम बनाएं। इस मामले में हाईकोर्ट ने वेंडर्स की एक्रोचमेंट हटाने के साथ ही शोरूम मालिकों को भी झटका दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि शोरूम मालिक शोरूम के बाहर कोई सामान न रखें और न ही कुछ वहाँ पर टांगे। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न रहे ये सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर डीसी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। साथ ही जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके स्टेट रिपोर्ट्स मामले की अगली सुनवाई पर सौंपी जाए। ट्राइसिटी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में अब से वोटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म गुम होने की चिंता खत्म होने जा रही है। पीयू में अब इस साल से हॉस्टल अलॉटमेंट का काम ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट को हॉस्टल मिलने से कोई परेशानी नहीं होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए स्टूडेंट्स को अब वेटिंग और एप्लीकेशन गुम होने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। हॉस्टल की अलॉटमेंट के लिए स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी जानकारी सभी डिपार्टमेंट में भेज दी गई है। हॉस्टल अलॉटमेंट ऑनलाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों खास मीटिंग की थी, जिसमें ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट पर सहमति जताई गई। आपको बता दें कि हॉस्टल ऑनलाइन करने की मांग बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण ये पूरा नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इस काम पर मोहर लग चुकी है। स्टूडेंट्स अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जानकारी डिपार्टमेंट वेरीफाई करेंगे और पोर्टल पर अपने आप मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। शिवाय डिपार्टमेंट में ये भी दिखाई देगा कि किस स्टूडेंट को कहां पर सीट अलॉट हुई है। सीट अलॉटमेंट डिपार्टमेंट को दी गई सीटों के आधार पर ही की जाएगी और इस वजह से सिफारिशों की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ट्राइसिटी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पुट्टा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में कई उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस बार कई उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। पुट्टा के चुनाव 21 अगस्त को होंगे, साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। पुट्टा के चुनाव पीयू के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद से कई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव आसान नहीं है। पिछले दो साल में किए बड़े कार्यों को शिक्षकों के बीच में ले जाना होगा। इस बार देवेंद्र सिंह को पुट्टा अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है और इन्हीं को उतारने के लिए सैकड़ों शिक्षक जुटे हुए हैं और साथ ही पुट्टा के कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से भी देखा। बताया जा रहा है कि वीसी प्रोफेसर राजकुमार का भी इन्हें ही समर्थन मिल रहा है। साथ ही एक बात ये भी सामने आ रही है कि पुट्टा जीबीएम ने इस बार मेंबरशिप 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है और पुट्टा की ओर से पीयू प्रशासन को कह दिया गया है कि मेंबरशिप शिक्षकों की सैलरी से काट ले। ये बात सामने आते ही शिक्षकों में रोष देखने को मिला।
जिसके बाद पीयू प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने कानूनी राय के लिए बैठक बुलाई, जिसमें बताया गया कि सैलरी में से मेंबरशिप नहीं काटी जा सकती। ट्रैजेडी चंडीगढ़ में किलोपेट्रा स्पा एंड सलून ने खरड में इको शीक और मेकओवर सलून का उद्घाटन किया। इस दौरान सलून एट सलून ओनली कैंप को भी लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्राकृतिक खूबसूरती, ऑर्गेनिक स्किन केयर और विंग लाइफस्टाइल के समन्वय में नए मॉनसून लुक सार्वजनिक किए गए। और साथ ही ऋचा अग्रवाल ने बताया कि मिसेस चंडीगढ़ मिताली जौहर ने सलून एट सलून कैंप को लॉन्च किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि खरड़ स्थित ग्रीन ब्यूटी और मेकओवर हब को शुरू करने की घोषणा की। आज कार्यक्रम में कैंप सलून एट सलून ओनली का लोकार्पण किया गया, जो सभी लोगों को ब्यूटी और सौंदर्य की देखरेख के लिए जागरूक करते हैं। घरेलू नुस्खे वगैरह बिना जाने, बिना उसको उसके बारे में जाने सर्विसेज ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो ये जाने कि आप अपनी स्किन केयर, फेशियल्स वगैरह एक्सपर्ट्स, अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन करें, अंडर हेयर एक्सपर्ट्स के हेयर कलर वगैरह कराएं, क्योंकि आप घर पे करा रहे हैं, आप एक थेरेपिस्ट तो बुला रहे हैं लेकिन एक एक्सपर्ट को नहीं बुला रहे हैं। एक टीम होती है, जब आप सलून में आते हैं तो आपको एक पूरी टीम आपको हैंडल कर रही है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे हेयर का हो। तो कुछ भी होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई चेंजेस होते हैं, तो एक्सपर्ट के एडवाइस के साथ, आपके स्किन टाइप के साथ आपकी सर्विसेज हो सकती है। ट्राई सिटी बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।